वाईफाई से कनेक्ट कर लो, वाईफाई से कनेक्ट कीजिए शुरू करें। साथियों, इस प्रेस वार्ता में हमारे सभी मीडिया के साथियों का स्वागत है। आप सबको विदित है कि 28 अगस्त 2024 को सुल्तानपुर के घंटाघर, जो कि कोतवाली नगर में स्थित है, दिन में लगभग 12:45 बजे तो डीजीपी प्रशांत कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं लखनऊ में और मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। मीडिया के सामने तमाम जानकारियों को साझा करेंगे और उत्तर प्रदेश में उसको प्रॉपर साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करने के लिए हमारी टीम यहाँ एकत्रित हुई है। हम लोग इसके बारे में जो तरह तरह की भ्रांतियां हैं उसको आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाह रहे हैं। सारी कार्रवाई चुप हो जाओ, बहुत ही इस पक्ष और साक्ष्यों के आधार पर हुई है। जब आप अभी इन चीजों को देखेंगे तो आप खुद इन चीजों को महसूस करेंगे। सर्वप्रथम मैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो घटना हुई है उस संबंध में जो भी वीडियो आपने पहले देखा होगा, जो आपके चैनलों पर चला भी था, आप लोगों ने छापा भी था उस पर और उस सभी दर्शकों को बताया भी था, उस संबंध में बताएंगे। फिर इस अब तक की जो विवेचना हुई है उसके अन्य पहलुओं को संबंधित एक जोन बनाएंगे और उसके बाद से मैं इस संबंध में पुलिस की बात और आपके जो प्रश्न होंगे उसका जवाब देंगे। इसके अलावा अगर कोई करेंगे तो मुख्यतः हम लोग अभी सुल्तानपुर उसके बारे में आप अपने सामने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं जो इस घटना को अंजाम देने वाला जो गैंग लीडर था उसका नाम विपिन सिंह है।
थाना चौक ज्वेलर्स के यहाँ भी जो प्रशासनिक घटना हुई थी उसका भी इंजन नहीं था। और साथ ही 2023 में इसी प्रकार की घटना गुजरात में सूरत सिटी में एक ज्वेलर के यहाँ की गई थी, उसमें भी विपिन सिंह का नया लीडर नाम प्रकाश में आया था और ये काफी इस घटना को पारित करने वाले के लिए करने के पहले दीवारों की रेकी की गई थी 15 तारीख 15-7 को और 13-8 को इस घटना की रेकी हुई थी। कुछ हमारे पास वीडियोज हैं, इसको आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। रेकी करने वाले अपराधियों का नाम था विपिन सिंह। घटना के लिए जो गेटअवे व्हीकल था वो एक बोलेरो था और उसमें पुष्पेंद्र उर्फ डब्लू, सचिन सिंह और त्रिभुवन कोरी, ये तीन लोग उसमें थे और गेटअवे का प्लान इन तीन लोगों ने बनाया था। इन तीन लोगों ने ही गाड़ी का इंतजाम किया था जो पुष्पेंद्र उर्फ डब्लू का था। जिस समूह ने घटना को किया यानी डकैती में जो सीधे शामिल रहे उस दुकान के अंदर घुसे थे वो थे फुरकान, अनुज प्रताप सिंह, अरबाज, मंगेश यादव और अंकित यादव और शेखर। इनके साथ अरबाज द्वारा लाया गया एक अज्ञात व्यक्ति भी है जिसका नाम अभी तक क्लियर नहीं हुआ। इसके अलावा विपिन सिंह, विनय शुक्ला, अजय यादव, अरविंद यादव, विवेक सिंह और दुर्गेश प्रताप सिंह, ये सभी उस घटनास्थल के आसपास घेराबंदी की हुई थी ताकि अगर कोई समस्या होती है तो ये फायर कर सके, पुलिस को डाइवर्ट कर सके और साथियों को भागने में मदद कर सके। ये सभी चीजें पूरे सीसीटीवी के विश्लेषण, टेक्निकल विश्लेषण, अपराधियों के जो अपराधी गिरफ्तार हुए हैं उनके पूछताछ से ये सारी बातें क्लियर हुई है। इसमें इस अनावरण के लिए एसटीएफ, जनपदीय पुलिस सभी ने मिलकर काम किया और घटना का अनावरण किया। मैं अनुरोध करूंगा डीजीपी सर के अनुरोध से एडीजी जोन इसके बारे में और डिटेल जोन को आपको बात करें एक इसको देख लीजिएगा जब तक और दोबारा काम लोग ताकि ये चीजें एक्सप्लेन करें बैठा है। हेलो, मैं बहुत थोड़ा पास है सर, माइक थोड़ा पास करिए, ऑडियो बहुत धीमे आ रहा है सर। नहीं हमारे सही जैसा कि अभी एडीजीएससी साहब ने आपको बताया, इसमें दो बार रेकी की गई थी जिसमें फुटेज हमारे पास अवेलेबल है और टेक्निकल सर्वेलांस से जो लोग रेकी में शामिल थे उसको देखा गया था। जो 13 तारीख को जो रेकी की गई थी उसमें फुटेज के अनुसार मौके पर विपिन सिंह थे और सचिन थे वहां और उसके पहले वाली जो रेकी थी उसमें लोकेशन के आधार पर अन्य अभियुक्तों का पता चला है। इसमें जो दो मोटरसाइकिल्स थी जिनका प्रयोग इस घटना में किया गया वो दोनों मोटरसाइकिल जौनपुर से चोरी गई थी, वहां का भी फुटेज प्राप्त हुआ था। उसके आधार पर भी अभियुक्तों की पहचान करने में उसकी मदद हुई है। उसके पश्चात जो गेटअवे व्हीकल था जो बाद में रिकवर किया गया, जो बोलेरो थी, वो बोलेरो जो है वो जिस व्यक्ति की थी और जिस अभियुक्त की थी वो भी 2 तारीख की मुठभेड़ में सुल्तानपुर पुलिस ने उन लोगों को अरेस्ट किया था जिसमें सचिन सिंह, पुष्पेंद्र उर्फ डब्ल्यू और त्रिभुवन, ये तीन लोग इसमें अरेस्ट किए गए थे। इनके साथ जो बरामदगी हुई उसमें लगभग 15 किलो चांदी थी, मोटरसाइकिल थी और 38,500 रुपया था। आपको यह भी पता है कि जब बदमाश वहां से सीन से जब भाग रहे थे तो उस समय कुछ
चीजें जो है उसी समय जो बरामद हुई थी वो भी ज्वेलर के साथ उस समय शेयर की गई थी। इसके पश्चात जो स्पेशलाइज एजेंसी एसटीएफ की मदद ली गई और फिर उसमें टेक्निकल सर्वेलांस और ह्यूमन इंटेलिजेंस इन दोनों के आधार पर पूरा सीक्वेंस जो है वो जो मैप किया जाता है घटना के बाद मोटरसाइकिल और जो बोलेरो जो गेटवे व्हीकल उनकी जानकारी की जाती है और उसके पश्चात जो कार्रवाई की गई है उसमें जो बरामदगी होनी हो रही थी इसी दौरान विपिन सिंह जो इस घटना का जो मुख्य अभियुक्त है और मास्टरमाइंड है वो वहां पर रायबरेली जेल में अपने आप को सरेंडर कर देता है और जैसा कि 2023 की सूरत की घटना के बारे में अभी आपको अवगत कराया उसमें उसके साथ ये चार लोग मौजूद थे जो सूरत की जो अगर आप एफआईआर देखेंगे उसमें अनुज प्रताप सिंह अरबाज खान विपिन सिंह और मोहम्मद फुल्का ये मेन व्यक्ति थे जो सूरत में डकैती हुई थी इनके साथ और लोग भी मौजूद थे तो विपिन सिंह उसमें उसने सरेंडर किया फिर हमने सारी कानूनी कार्रवाई करके उसका हमें 5 दिन का रिमांड मिला पुलिस कस्टडी रिमांड और उसके आधार पर विपिन सिंह से पूछताछ करने के बाद हमने जिन लोगों को अरेस्ट किया था उसमें दुर्गेश जो है वो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो विपिन का इम्पोर्टेंट साथी है उसके बाद अरविंद यादव विवेक सिंह और फिर विनय शुक्ला ये अरेस्ट हुए और इनके पास से जो बरामदगी हुई है उसमें विपिन सिंह के पास करीब 1.2 केजी गोल्ड बरामद हुआ है और बाकी व्यक्तियों के पास भी जो बरामदगी हुई है वो सभी आपके सामने है वो वहां भी है। इस प्रकार ये देखा गया कि इन व्यक्तियों ने एक पूरा गिरोह बनाकर रेखी करके और ये घटना कारित की है जिसमें विपिन सिंह जो है वो मुख्य था और उसको ये चूंकि आशंका थी कि चूंकि अभी चलने लगा है मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको एक अभी तक इस पूरे विवेचना में जो अभियुक्तों की गिरफ्तारी के साथ 20 किलो चांदी 2.5 केजी गोल्ड बरामद हुआ है और करीब 45,000 से ऊपर जो इन्होंने रुपया जो अपने आपस में बांट लिया था वो बरामद हुआ है। जिन व्यक्तियों की गिरफ्तारी अभी शेष है उसमें फुरकान अरबाज अंकित यादव अजय उर्फ डीएम यादव और अनुज प्रताप सिंह ये 5 व्यक्तियों की अभी
इसमें गिरफ्तारी बाकी है। एक व्यक्ति जो अभी जिसका चिन्हित जो चिन्हित नहीं किया गया है उसकी जानकारी चूंकि केवल अरबाज को है इसलिए अरबाज की गिरफ्तारी के पश्चात ही इसके बारे में जानकारी हो सके। साथियों जो तथ्यात्मक चीजें थी वो संबंधित अधिकारियों ने आपके साथ शेयर किया। इस लूट के प्रकरण में 100% सोने की बरामदगी की जा चुकी है। इस संबंध में जो ज्वेलर एसोसिएशन की का डेलीगेशन विभिन्न स्तरों पे अधिकारियों से मिल रहा था इनके प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा कल स्वयं एक वीडियो जारी करके मीडिया के माध्यम से सबको अवगत कराया गया कि हमारी शस्त्र की इज्जत बरामदगी की जा चुकी है। किसी भी घटना में पुलिस का प्रथम उद्देश्य घटना को अनावरित करने का है और अपराधियों को या जिन व्यक्तियों ने उस घटना को कारित किया है उसको पकड़ने का है। लेकिन जब भी पुलिस कोई कार्रवाई करती है उस दौरान बदमाशों के द्वारा भी फायरिंग पुलिस पर की जाती है। ऐसे स्थिति में जो गाय के हित में जो ऑपरेशन होते हैं उन चीजों के बारे में तरह तरह की भ्रांतियां लोगों के द्वारा फैलाई जाती हैं। समय समय पे इस मुख्यालय के द्वारा स्पष्ट किया जाता रहा है कि जितने भी पुलिस ऑपरेशंस होते हैं उसमें जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश हैं एक पीयूसीएल गाइडलाइंस के रूप में उसका 100% अनुपालन कराया जाता है। बहुत सारी ऐसे ऑपरेशंस हुए जिन सभी को आपने कवर किया है और उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर अभी तक किसी भी प्रकरण में किसी भी संवैधानिक संस्था के द्वारा उंगली नहीं उठाई गई। अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति विभाग की और शासन की है और उसके लिए दिन प्रतिदिन हमारे अधिकारी खुद लगे हैं। हमारे कई साथियों ने सुप्रीम सेक्रीफाइस भी दिया अपनी प्राणों की आहुति भी दी। इस ऑपरेशन के दौरान लोग घायल भी हुए। एक ये भी चीजें चलाई जाती है कि यूपी पुलिस ट्रिगर हैप्पी है ये सर्वथा अनुचित है। उत्तर प्रदेश पुलिस राज्य की जनता की सेवा के लिए तो सुल्तानपुर लूटकांड में डीजीपी प्रशांत कुमार को सुन रहे थे जिन्होंने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। वहीं उनके साथ जितने भी अधिकारी थे उन्होंने इस मामले को लेकर जानकारी दी। आपको बता दें कि भरत जी सर्राफा व्यापारी जिनके यहां लूट की बड़ी वारदात हुई थी सुल्तानपुर में अब उन्होंने भी पुलिस की कार्यशैली पर खुशी जाहिर की है और उन्होंने कहा है कि उन्हें ऐसा अंदाजा नहीं था कि उन्हें उनका खोया हुआ माल मिल पाएगा लेकिन देखिए 100% सामान बरामद कर लिया गया है और इसमें 20 किलो चांदी भी बरामद की गई है, 2.25 किलो सोने को भी बरामद किया है और लूट का सारा सामान इस पूरे मामले में बरामद कर लिया गया है।
शादी हुआ है उसका कई लड़के हैं आपके ये कई लड़का है उनके माताजी और उनकी बहन के द्वारा स्पष्ट बताया जा रहा था कि ये 3 महीने से लगभग अपने उस पर नहीं आए हैं और जहाँ तक आपका प्रश्न था मानवाधिकार आयोग का तो जो निर्धारित प्रक्रिया है उसके हिसाब से सूचना दी गई है और एक समयबद्ध तरीके वो समय हम भेजेंगे जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा दे दिए गए हैं विवेचना उस थाने से हटाकर दूसरे थाने से निष्पक्ष व्यक्ति से कर और समय से सारी प्रक्रिया जैसे मैंने आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं उसके हिसाब से ही सभी कार्रवाई हम पूर्ण करें। तो सुल्तानपुर लूटकांड में डीजीपी प्रशांत कुमार का बयान कि अपने सही समय पर यह कार्रवाई की गई है और लूट का सारा सामान समय पर बरामद कर लिया गया है।